नमस्कार, मैं अतुल कश्यप और आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से है, जहां नहर विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण किसानों की सैकड़ों बीघा फसल हुई नष्ट। जनपद शाहजहांपुर के विकास खंड सिंधौली के ग्राम बियूर रजवा नामक नहर निकली हुई है, जो नहर ग्राम बियूर घटबोक्स दिलावरपुर लथौना सुहेली इटारोरा मुजफ्फरनगर होते हुए पनबाड़ी के आगे कन्नौज नदी में गिरती है, जिसकी ग्राम सुहेली से आगे करीब करीब 8 किलोमीटर तक 20 वर्षों से नहर विभाग द्वारा सफाई नहीं की गई और उसमें कई वर्षों के बाद बिना सफाई के ही पानी छोड़ दिया गया, जिसके कारण नहर का कटान हो गया, जिससे इटारोरा गांव के रहने वाले प्रमोद सिंह, हरिपाल सिंह, राजीव, दिनेश, महेंद्र, सुमेंद्र, रवि, प्रकाश सिंह, ग्राम मुजफ्फरनगर के छोटे सिंह जैसे सैकड़ों लोगों की सैकड़ों बीघा गेहूं और गन्ने की फसल पानी में डूबकर खराब हो गई, जिससे किसानों को रोजी रोटी का भयंकर संकट उत्पन्न हो सकता है। जब नहर विभाग के जेई अरविंद कुमार से घटना के बारे में बात की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। एक तरफ किसान महंगाई से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर किसान पकी फसल पानी में डूब जाने से परेशान है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन, नहर विभाग या नहर विभाग की लापरवाही? मीडिया 100 न्यूज शाहजहांपुर से मिथुन चक्रवर्ती की रिपोर्ट।